हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि है 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन भी किया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते फिर आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ए तनिष्का कोटिया कॉमा रिधिका कोटिया एंड बी है सदिया तारिका। तो राइट आंसर है ए, यानी कि तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी और फिडे मास्टर तनिष्का कोटिया गुरुग्राम की रहने वाली है। तनिष्का कोटिया ने जुलाई के करीब एक महीने के लिए सर्बिया की यात्रा की थी। इसी दौरान उन्होंने पैरासिनियन सिल्वर लेक और निस जैसे 3 ओपन टूर्नामेंट में भाग लिया था। विश्व शतरंज महासंघ के जरिए 2019 में रैंक जारी की थी, जहाँ उन्होंने अंडर 16 कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने मास्को वुश स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट या गोल्ड मेडल जीता है। ए पूजा जातियान एंड बी है सादिया तारिका। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि सादिया तारिका ने हाल ही में मास्को वुश स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। भारत की वुश खिलाड़ी सादिया तारिका ने मॉस्को में हो रहे वुश स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यह श्रीनगर की रहने वाली 15 साल की है। पिछले 2 साल से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है। सादिया ने फाइनल मुकाबले में रूसी खिलाड़ी को मात दी है। इस चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणी के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रूस की राजधानी में 22 से 28 फरवरी तक के इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अभी तो वहाँ युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो अब पता नहीं इसका क्या हो रहा है उस जगह पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम के लिए अधिसूचना जारी की है। ए 93वें संशोधन के लिए, बी है 83वें संशोधन के लिए। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 93वें संशोधन के लिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम या नियम 1989 के लिए अधिसूचना जारी की है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रपति से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया। ए यूक्रेन, बी है रशिया। तो राइट आंसर है इसका बी रशिया, यानी कि रशिया के राष्ट्रपति से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर को पुरस्कार वापस लिया है। कारण यह है कि देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यानी IOC, जिसे शॉर्ट में IOC कहा जाता है, ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतानी से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल संघों और आयोजकों से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलरूसी एथलीटों और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से बाहर रखने का आग्रह किया गया है। ठीक है, कारण इसका ये है, क्यों लिया गया है, युद्ध के कारण उन्होंने आक्रमण किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में कौन करेंगे। ए समीरन गुप्त, बी है पूजा जातेयान। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि समीरन गुप्त ने ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में कौन करेगा, तो समीरन गुप्ता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। ए मध्य प्रदेश की बीना में एंड बी है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि मध्य प्रदेश की बीना में भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा
संयंत्र लॉन्च किया हुआ है। और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि यहाँ भारतीय रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के बीना में एक सौर ऊर्जा यंत्र संयंत्र स्थापित किया गया है। इंडियन रेलवे के इस पहले सोलर पावर प्लांट की विशेषता यह है कि यह सीधे भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली की आपूर्ति करेगा। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 1.8 मिलियन यूनिट की बिजली का उत्पादन होगा और अनुमान के मुताबिक इससे हर साल रेलवे को 1.37 करोड़ रुपए की भी बचत होगी। यानी कि अब धीरे धीरे जो है सोलर प्लांट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इससे काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी नहीं होगी, जो कि एक मतलब नेचर के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर रहा? ए 59वें एंड बी है 43वें। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि 43वें, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा। इसके बारे में और देख लेते हैं, क्या जानकारी देते हैं। इसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाता है। और इस सूचकांक में भारत 55 देशों में 43वें स्थान पर है, जबकि 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जी किशन रेड्डी ने, बी सुजाय चौधरी ने। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि जी किशन रेड्डी ने हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया? ए 24 फरवरी, बी 27 फरवरी। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का लक्ष्य है आम लोगों को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था, जिसके बाद यह हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? ए 22 फरवरी को एंड बी है 25 फरवरी को। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि 22 फरवरी को हाल ही में विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे पर पूर्व में थिंकिंग डे यानी 22 फरवरी को सभी गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में यह स्काउट और गाइड के संगठनों द्वारा भी मनाया जाता है। यहाँ एक जब वे दुनिया के सभी देशों में अपनी बहनों और भाइयों के बारे में सोचते हैं, और गाइडिंग का अर्थ है इसी वैश्विक प्रभाव पर मनाया जाता है। तो अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश से को जोड़ेगी? ए नेपाल, बी मालदीव। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि मालदीव। रिलायंस जियो की नई सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस मालदीव को जोड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? ए अगरताल एंड बी है ढाका। तो राइट आंसर है ए, यानी कि अगरताल। तो दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का जो उद्घाटन हाल ही में अगरताल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई?
ए स्मृति मंधाना, बी ऋचा घोष। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि ऋचा घोष, यानी भारत की ऋचा घोष पहली क्रिकेटर महिला बन गई जिन्होंने 26 ओवर में 50 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध इन्होंने 5 मैचों की वनडे सीरीज में चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और यहां रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेली धरा के नाम पर था। रुमेली धरा ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी की थी और वेद कृष्णमूर्ति ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा था। ठीक है, तो ये अभी 26 बॉल पर 50 रन बन गया है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से रखेंगे कि किस महिला ने अपना अर्धशतक पूरा किया था। तो वहाँ ऋचा घोष कितने बॉलों पर 26 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है? ए 30 मार्च 2024 तक, बी है 31 मार्च 2026 तक। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? ए ईरान, बी रशिया। तो राइट आंसर है इसका बी रशिया, यानी कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया गया है और यहाँ लगातार 8 दिन से चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, नासा द्वारा हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने का घोषणा की है? ए 2029, बी 2031। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि 2031, यानी कि नासा द्वारा हाल ही में 2031 में वर्ष में दो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की घोषणा या सॉरी स्थापना की गई है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका बी यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविध पार्क मिला है। यहाँ पार्क मंडी की भुलाह घाटी में बनने के लिए तैयार है और 1 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत जैव विविध पार्क की स्थापना की गई है। पार्क का हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करने के लिए और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना और जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है कि जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारी जो औषधीय है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए मतलब जीवनदायिनी का काम करेगी तो उनका संरक्षण का कार्य भी कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.